इश्क हवा की तरह है, इसे देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। दिल में मोहब्बत का होना जरूरी है, वरना याद तो दुश्मन भी क्या करते हैं। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और दर्शकों, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की और उनके प्रेम जीवन की, प्रेम की और रिश्तों की। जब किसी से प्यार करते हैं तो निभाना जरूरी है, कुछ रोमांस उत्पन्न करना है तो वहीं पे एक्साइटमेंट बनाए रखना होता है, इमोशंस शेयर करने होते हैं। यहां पर वैलेंटाइन डे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पर जीवन में सच्चा प्रेम ढूंढने की जो मशक्कत है उसको स्वीकार कर रहे हैं। चाहे लड़का है या लड़की, प्यार हर किसी को चाहिए, किसी को अपना कहने का एहसास सभी को चाहिए। और इस वजह से आज हम यही बात कर रहे हैं कि जीवन में जो प्रेम ढूंढ रहे हैं, जो प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, वो क्या करें। तो सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि कन्या राशि कैसी होती है। तो कन्या राशि के जो लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड चीजें बहुत पसंद करते हैं। यहां पर व्यक्तित्व शांत होता है और सुलझा हुआ होता है, जिससे वो पॉपुलर बनते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो वहीं पर दूसरों के रिलेशंस में जो चीजें हैं उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपके पार्टनर की राशि कन्या है तो उन्हें सुंदर और क्राफ्टेड प्लानर गिफ्ट कीजिए, उनकी कुर्सी के लिए कुशन खरीदिए, वो काम करते समय कंफर्टेबल महसूस करें और हर बार आपको याद करें उसको देखकर, ऐसा कुछ कीजिए। उनके डेस्क के लिए कुछ चीजें खरीदिए, जैसे कस्टमाइज्ड मग हो गए, पेन होल्डर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए या फिर मैट्स हो गई, ऐसा कुछ कीजिए जिसको बार बार वो देखें और हर बार देखने पर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आए। हो सके तो उनके इंटेलेक्चुअल पावर को और बढ़ाने के लिए या फिर टैकल करने के लिए किसी फेमस बिजनेसमैन की या तो फिर पोएट की, आर्टिस्ट की ऑटोबायोग्राफी उन्हें गिफ्ट कीजिएगा, वो भी उन्हें बहुत पसंद आएगी। यहां पर यह भी देखा गया है कि कन्या राशि के लोग संकोची और शर्मीले होते हैं, झिझकने वाले होते हैं, जल्दी से किसी के सामने खुलते नहीं हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। और पहले ही सारी इनके लिए योजनाएं बना लीजिए कि आज के दिन करना है तो क्या करना है। ये भीड़ पसंद नहीं करते हैं, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अपने पार्टनर के साथ में उनके पसंद की जगह पर जाना और वहां पर डिनर करना, यह इनको बहुत ज्यादा पसंद आ सकता है। यहां पर शब्दों से ज्यादा एक्शंस इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं उससे ज्यादा यह प्रूव करके दिखाना कि आप करते हैं उनसे प्यार, वो जरूरी है। बिना मांगे उन्हें देख करके उन्हें कहां मदद की जरूरत है वो देखिए और मदद कीजिए। रोमांटिक हाव भाव हो गए, काव्यात्मक प्रेम भाव हो गए, ये बड़े ही अच्छे लगते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं वो इंसान जो अपना प्रेम दिखाने में और थोड़ी गहराई और ज्यादा इंटेलेक्चुअल और कहीं ना कहीं पे एक इमोशनल लेवल पे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करें। उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उनकी काबिलियत की सराहना कीजिए, उन्हें समझिए। यदि आपका प्रेमी या प्रेमिका इस राशि का है तो उन्हें कपड़े, क्लासिकल म्यूजिक या तो फिर जिसको विंटेज म्यूजिक कहा जाता है, बॉडी केयर, पर्सनल केयर, हेयर स्पा ट्रीटमेंट्स, ये सब गिफ्ट कीजिए। वहीं पे लड़के हैं तो शूज हो गए, सोशल सब्जेक्ट पर कुछ किताबें होंगी, ये कुछ गिफ्ट कीजिएगा, उन्हें बहुत पसंद आएगा। और खास तौर पर रात के समय में पॉपकॉर्न और मूवीज डेट, ये उनको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपकी राशि भी यही है तो संयम बरतना होगा आपको, अपने अंदर की जो इमोशंस हैं उसको संभाल करके हिम्मत और समझदारी के साथ में काम करना होगा। अपनी सभी परेशानियों को दिल से न सुलझा करके दिमाग से सुलझाइए आज के दिन। जोश में आकर के कहीं होश खो मत बैठिएगा, कहीं ना कहीं इसके कारण ये परेशानी देखने को मिल सकती है कि जो आप व्यक्त करना चाहते थे, जो इजहार करना चाहते थे, उस पर काबू नहीं रहेगा और इसके कारण चीजें बिगड़ सकती है, तो थोड़ा अकलमंदी के साथ में काम लीजिएगा। यहां पर ये कहूंगा कि इन लोगों को नारंगी रंग का गुलाब बहुत अच्छा लगता है, तो वो उन्हें गिफ्ट कीजिएगा, क्योंकि इस रंग का गुलाब नयापन, खुशी और प्यार को दर्शाता है। इसलिए अगर आप अपने सच्चे प्यार को पाना चाहते हो तो ज्योतिष के अनुसार अपने पार्टनर को नारंगी रंग का गुलाब जरूर गिफ्ट कीजिएगा। आप सभी से यहां पर एक छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, ये जो प्रेम का रिश्ता है ये बड़ा ही नाजुक है और पवित्र है, इसकी पवित्रता बनाए रखिएगा। सच में किसी के साथ में अपना जीवन देखते हैं कि आगे बढ़ के इनके साथ में जीवन पूरा बिताना चाहता हूं, तो वो प्रेम है, उसे सेलिब्रेट कीजिए। सिर्फ जिस्मानी रिश्ते बनाने को
प्रेम का नाम देकर के कलंकित मत कीजिएगा। ध्यान रखिए कि किसी के इमोशंस के साथ में खिलवाड़ करना, किसी को मैनिपुलेट करना, ये पाप है। मैं हमेशा प्रार्थना आपके लिए यही करूंगा कि आपका ये दिन शुभ बना रहे, प्यार आपको भी मिले, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हों, और ऐसे में आपका दिन सबसे बेस्ट जाए। हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।